सबसे बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं इस वक्त की, आरजेडी से निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव को पटना सिविल कोर्ट ने दोषी करार दिया है। आपको बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई आज राजबल्लभ यादव के मामले पर, और कोर्ट ने राजबल्लभ यादव समेत सभी 6 आरोपियों को दोषी करार दिया। मामला नाबालिग से दुष्कर्म का था। आपको बता दें कि आज राजबल्लभ यादव जिस तरह से सिविल कोर्ट पहुंचे थे, पटना के सिविल कोर्ट, उनके चेहरे पर मुस्कान थी, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, राजबल्लभ यादव मुस्कुराते हुए पटना के सिविल कोर्ट पहुंचे, लेकिन उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि कोर्ट उन्हें दोषी करार देगा। लेकिन अब कोर्ट ने राजबल्लभ यादव समेत सभी आरोपियों को दोषी करार दे दिया है। इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं पीड़ित के परिवार वालों को जो न्याय की उम्मीद थी कोर्ट से, वो उन्हें अब न्याय मिलती दिख रही है। आपको बता दें कि इस मामले में जो कोर्ट है वो 21 दिसंबर को सजा का ऐलान करेगा। सभा को सजा के कन्विक्शन सबका हो गया। सर कितने लोग दोषी करार दिए गए? 6 नाम के साथ थोड़ा बता। राजबल्लभ यादव, राधा देवी, सुलेखा देवी, तुसी देवी, छोटी पुष्पांजलि, सब आदमी किन किन धाराओं में सजा हुआ? सबका अलग अलग धाराओं में हुआ है। सर आपने बताया जिस तरह से कि किसी बर्थडे पार्टी में ले जाने की क्या कुछ बातें थी सर, वो बताया? वो तो एक बहाना था कि बर्थडे पार्टी, उसी इंप्रेशन में लड़की चली गई और उसको वहाँ नहीं ले जा करके लुक ले गए राजबल्लभ यादव का, वो इंग्लिश पथरा इंग्लिश नवादा में उनके घर में जहाँ रेप हुआ। राजबल्लभ यादव पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप था, जिसके बाद से कई बार इस मामले में ट्रायल हुए, लेकिन राजबल्लभ यादव पर फैसला नहीं आ सका। आज 15 दिसंबर को पटना के एमपी एमएलए कोर्ट ने आरजेडी से निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव को दोषी करार दे दिया है। उनके साथ ही साथ सभी 6 आरोपी जो है वो दोषी करार दे दिया गया है। अब 21 दिसंबर को इस मामले में फैसला आना है। देखने वाली बात होगी कि सजा का ऐलान जो 21 दिसंबर को होगा उसमें कितनी सजा कोर्ट राजबल्लभ यादव और बाकी के दोषियों के लिए तय करता है। आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं, हमारे YouTube चैनल पर जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए। इसके साथ ही साथ हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।